मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे पर राहुल के आरोपों के बाद सुलगी सियासत, कांग्रेस अध्यक्ष ने मानी कंफ्यूजन होने की बात। राहुल की गलती मानने के बावजूद कम नहीं हुआ शिवराज का गुस्सा, एमपी के सीएम ने कांग्रेस अध्यक्ष से माफी की मांग की। हमने तो ये तय किया कि इन झूठे आरोपों के खिलाफ हम मानहानि, मुख्यमंत्री वो माफी मांगेंगे तो जरूर विचार करेंगे। उन्होंने शिवराज पर कांग्रेस का पलटवार, कहा हार सामने देखकर बौखला गए हैं मध्य प्रदेश के सीएम। प्रचार को उजागर किया गया, उससे वहां की सरकार और विशेष रूप से वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वो तिलमिला गए। भूल मानने के बावजूद शिवराज के बेटे कार्तिकेय ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, राहुल पर दर्ज कराया मानहानि का केस। ये पूरी तरह बेबुनियाद है, ये उन्होंने खुद माना है, लेकिन ये भरे सार्वजनिक मंच से उन्होंने मेरे और मेरे परिवार की आलोचना की है। शिवराज को लेकर गलती मानने के बाद राहुल पर हमलावर हुई बीजेपी, कहा कांग्रेस अध्यक्ष को विरासत में मिला है भ्रष्टाचार। राहुल गांधी जी को करप्शन से बहुत प्यार है, क्योंकि उनको विरासत में करप्शन मिला है, अपने परिवार की विरासत में करप्शन मिला है। खरगोन में फिर फिसली राहुल गांधी की जुबान, कहा लाल किले पर जाकर लोगों को संबोधित करते हैं राष्ट्रपति। देश का राष्ट्रपति जाता है, लाल किले पर खड़ा होता है और देश को कहता है, भाई और बहनों, मेरे आने से पहले, मेरे प्रधानमंत्री बनने से पहले सब सो रहे थे। इंदौर में कारोबारियों से मिले राहुल गांधी, कहा बीजेपी से ज्यादा हिंदू धर्म को मैं समझता हूं। फ्रेंकली हिंदू धर्म की बात करते हैं, ये हिंदू धर्म को समझते ही नहीं है, इनसे बेहतर मैं समझता हूं हिंदू धर्म। धार में राहुल ने किसानों को भरोसा दिलाया, कहा कांग्रेस की सरकार आई तो चिप्स जितनी होगी आलू की कीमत। बाबा साहब आम्बेडकर की जन्मस्थली मऊ पहुंचे राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। मध्य प्रदेश में सीएम उम्मीदवार के सवाल पर घिर गए राहुल गांधी, सिंधिया और कमलनाथ की तारीफ की लेकिन जवाब नहीं दिया। दिल्ली में बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव से उपेंद्र कुशवाहा मिले, सीट बंटवारे को लेकर चर्चा की। भूपेंद्र यादव से मुलाकात के बाद सामने आई कुशवाहा की कसक, कहा चल रही है बात, सम्मान का ध्यान रखा जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा ने दिए एनडीए में बने रहने के संकेत, मोदी का प्रधानमंत्री बने रहना। हमने कई बार कहा है कि अगला प्रधानमंत्री फिर से 5 वर्षों के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी को रहना देश के इंटरेस्ट में जरूरी है और हमारी पार्टी इसके लिए काम कर रही है। अब इसमें कौन कंफ्यूजन की बात है। बीजेपी रणनीतिकार से मुलाकात के बाद रामविलास पासवान से मिलने पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा, बिहार में सीटों को लेकर चर्चा के कयास। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने किया मध्य प्रदेश में किस्मत आजमाने का फैसला, लेकिन अकेली ही चुनाव में जाएगी आरएलएसपी। जम्मू कश्मीर पर योगी के बयान पर सियासत सुलगी, कांग्रेस ने लगाया सांप्रदायिकता की राजनीति का आरोप। जम्मू कश्मीर के हालात पर योगी आदित्यनाथ ने दिया है बयान, कहा जब तक हिंदू सिख राजा रहे तब तक सब कुछ ठीक रहा। लखनऊ में शिवपाल सिंह के दफ्तर पहुंचे मुलायम सिंह यादव, भाई ने किया नई पार्टी का अध्यक्ष पद संभालने की गुजारिश। शिवपाल से मुलाकात के बाद समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे मुलायम सिंह, पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। एसपी बीएसपी गठबंधन पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा उत्तर प्रदेश ही तय करेगा 2019 में होने वाले चुनाव की दिशा। गुजरात के नर्मदा में सरदार पटेल की मूर्ति के अनावरण की तैयारी पूरी, कल प्रधानमंत्री देश को समर्पित करेंगे दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति। नर्मदा में खास तौर पर तैयार किया गया है मंच, लीवर की मदद से स्टैचू ऑफ यूनिटी से पर्दा हटाएंगे प्रधानमंत्री। स्टैचू ऑफ यूनिटी के आसपास के इलाके में विकसित किया गया है वैली ऑफ फ्लावर्स, करीब 100 तरह के लगाए गए हैं फूल। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जारी किया स्टैचू ऑफ यूनिटी का वीडियो, कल देश भर में होगा कार्यक्रम। स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए देश भर से गुजरात पहुंच रहे हैं लोग, वाराणसी से रवाना हुई खास ट्रेन।
जिग्नेश मेवाणी ने सरदार पटेल की मूर्ति पर सवाल उठाए, कहा स्टैचू ऑफ यूनिटी नहीं, देश को चाहिए स्कूल और अस्पताल। सामने आई कृष्ण बने तेज प्रताप की तस्वीरें, गायों के साथ बांसुरी बजा रहे हैं लालू के बड़े बेटे। एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी पर विवादित बयान, कहा चाय वाले को बनाओगे चौकीदार तो यही होगा देश का हाल। जयपुर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, चुनाव में टिकट बंटवारे पर चर्चा हुई। राजस्थान चुनाव के लिए कांग्रेस की जोरदार तैयारी, गाने के जरिए वसुंधरा राजे को निशाना बनाया। मध्य प्रदेश के खरगोन में सवर्ण समाज का प्रदर्शन, बीजेपी नेताओं को बैरंग वापस लौटाया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आयसा का विरोध प्रदर्शन, दूसू अध्यक्ष के सर्टिफिकेट को लेकर बवाल। एनसीआर में गंभीर स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, 1 नवंबर से शुरू होगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का ग्रेडेड एक्शन प्लान। प्रदूषण के खिलाफ 1 नवंबर से सड़क पर उतरेगी दिल्ली और केंद्र सरकार की 44 टीमें, नियमों के उल्लंघन पर छापेमारी होगी। दिल्ली के आसमान पर छाई है धुंध की मोटी चादर, लोगों की मुसीबतें बढ़ी, स्कूली बच्चे बेहाल। मास्क पहनकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी, सीलिंग मामले में पेशी की। अगले 2 दिनों में एनसीआर में हालात और भी खराब होने का अंदेशा, पंजाब हरियाणा से राजधानी पहुंचेगा पराली का धुआं। पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा केवल दिल्ली एनसीआर के लिए है ग्रीन पटाखे की शर्त। 2 घंटे की समय सीमा में बदलाव से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, लेकिन अपने हिसाब से वक्त तय करेंगी राज्य सरकार। ग्रीन पटाखों के आदेश के बाद दिल्ली में नहीं बिक रहे पटाखे, पुलिस ने बंद करवाई सभी दुकानें। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमला, सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद, दूरदर्शन के कैमरामैन अच्युतानंद साहू की भी मौत। चुनावी कवरेज के लिए गए थे मीडियाकर्मी, नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया। उड़ीसा के बोलंगीर में अच्युतानंद साहू के घर पर मातम, लोगों ने कैमरामैन को दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के ट्राल में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, जैश के 2 आतंकवादी ढेर। ट्राल में मारा गया जैश के आका मसूद अजहर का भतीजा, आतंकवादी संगठन के लिए निभाता था स्नाइपर की भूमिका। कश्मीर में 5 जवानों की शहादत के गुनहगार स्नाइपर का चेहरा बेनकाब, आतंकी अबू कारी की तलाश तेज। सोशल मीडिया पर शहीद सब इंस्पेक्टर इम्तियाज के परिजनों की भावुक अपील, आतंकियों से कहा बाकी परिवार को क्यों छोड़ा। श्रीनगर में कारोबारी फैयाज अहमद के घर एनआईए का छापा, टेरर फंडिंग केस में छानबीन। अंडमान भेजे गए सीबीआई के डिप्टी एसपी एके बस्सी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई, कहा जांच को रोकने के लिए ट्रांसफर किया गया। मालेगांव केस में लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा समेत 7 लोगों पर आरोप तय, चलेगा आतंकी साजिश का मुकदमा। साध्वी प्रज्ञा ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा एटीएस की अवैध कार्रवाई की वजह से मुश्किल बढ़ी, एनआईए ने दी क्लीन चिट। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाई, पूछा क्यों नहीं हुई पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की गिरफ्तारी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से दागे सवाल, आरोपों और सबूतों के बावजूद 3 महीने तक मंत्री कैसे बनी रही मंजू वर्मा। भागलपुर से पटियाला जेल में शिफ्ट किया जाएगा मुजफ्फरपुर कांड का आरोपी ब्रजेश ठाकुर, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। बरकरार रहेगी बिहार के बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन की उम्र कैद, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाई। उदयपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी झड़प, सीसीटीवी में वारदात। मध्य प्रदेश के रायसेन में होटल में परिवार ने की खुदकुशी, पति पत्नी की मौत, बच्चे खतरे से बाहर। लखनऊ में T20 मैच का टिकट नहीं मिलने से भड़के क्रिकेट फैंस, शहीद पथ पर जाम लगाया। यूपी के हमीरपुर में अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापा, बड़ी तादाद में हथियार बरामद। सोनीपत में नाबालिग लड़की की संदिग्ध हालत में मौत, परिवार वालों पर हॉरर किलिंग का शक। दिल्ली में फैक्ट्री मालिक से रिश्वत मांगते पुलिस वालों का वीडियो वायरल, 1 कांस्टेबल सस्पेंड। दिल्ली के नरेला में निर्माणाधीन इमारत की लिफ्ट का तार टूटा, 1 इंजीनियर और 3 मजदूरों की मौत। लगातार 13वें दिन घटे तेल के दाम, दिल्ली में 20 पैसे घटकर
79.55 रुपए प्रति लीटर हुआ पेट्रोल, डीजल के दाम में 7 पैसे की गिरावट। 70 रुपए बढ़कर 32,620 रुपए प्रति तोला हुआ सोना चांदी, 260 रुपए की गिरावट के साथ 39,240 रुपए प्रति किलो। 176 अंकों की गिरावट के साथ 33,891 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 52 अंक गंवाकर 10,198 पर बंद। आरबीआई और सरकार में बड़ी तनातनी, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैंकों के ज्यादा कर्ज बांटने पर की सेंट्रल बैंक की आलोचना। चौथी औद्योगिक क्रांति की अगुवाई करेगा भारत, मुकेश अंबानी ने कहा तकनीक के शौकीन युवाओं के बूते होगा मुमकिन। मुकेश अंबानी ने भारत की तीसरी सबसे अमीर अर्थव्यवस्था बनने का किया दावा, कहा अगले 20 सालों में दिखेगा देश कदम। अगले 2 हफ्ते में खत्म होगा ILNFS संकट का असर, SBI चेयरमैन बोले RBI और सरकार मिलकर कर रहे हैं कोशिश। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की क्षमता के विस्तार की तैयारी, 9,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना। अर्थव्यवस्था में सर्विसेज सेक्टर की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए एजुकेशन सेक्टर की ग्रोथ पर जोर देगी सरकार, वाणिज्य मंत्री ने भरोसा जताया। ई कॉमर्स कंपनियों की ऑनलाइन सेल ने बिगाड़ी बाजारों की रंगत, बिक्री में 15-20% की गिरावट से परेशान है दुकानदार। अमेजॉन के जेफ बेजोस ने शेयर बाजार में रकम गंवाने का बनाया रिकॉर्ड, 2 दिन में लुटाए $19 अरब। 10 साल के न्यूनतम स्तर पर चीन की करेंसी, कमजोर अर्थव्यवस्था और अमेरिकी ट्रेड वॉर के चलते सबसे निचले स्तर पर युआन। हार्ले डेविडसन ने 2,30,000 बाइक्स को वापस मंगाया, क्लच की समस्या के चलते 5 बरस में 4th रिकॉल। जगह की कमी के कारण इस साल छोटा होगा ट्रेड फेयर, 14 से 27 नवंबर तक चलेगा मेला। SBI ने मास्ट्रो और क्लासिक कार्ड धारकों के लिए घटाई ATM से पैसे निकालने की सीमा, अब 40 की बजाय 20,000 निकाल सकेंगे ग्राहक। मुंबई में धमाकेदार जीत के बाद तिरुवनंतपुरम पहुंची टीम इंडिया, 1 नवंबर को होना है सीरीज का अंतिम वनडे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में फिर शुरू हुई बर्फबारी, पीने का पानी जमने से लोगों को परेशानी। पिछले कुछ दिनों की लगातार बारिश ने बढ़ाई ऑस्ट्रिया की मुश्किलें, कई इलाकों में ट्रैफिक ठप, बिजली की भी किल्लत। इंडोनेशिया में जारी है हादसे का शिकार हुए प्लेन के मलबे ढूंढने का काम, जकार्ता पोर्ट पर रखे जा रहे हैं समुद्र से मिले सामान। 36 घंटे बाद भी नहीं मिला इंडोनेशिया विमान का ब्लैक बॉक्स, अगले कुछ दिनों तक सर्च ऑपरेशन जारी रहने की संभावना। परिजनों को अब भी नहीं हो रहा है अपनों की मौत पर भरोसा, आंखों में आंसू लिए अब भी एयरपोर्ट पर कर रहे हैं इंतजार। बांग्लादेश की पूर्व PM को दोहरा झटका, पहले से जेल में बंद मामले में कोर्ट ने दोगुनी की सजा, अब 5 के बदले 10 साल की कैद। लगातार अमेरिका की ओर बढ़ रहा है सेंट्रल अमेरिकी प्रवासियों का कारवां, ट्रंप प्रशासन ने दिए मेक्सिको सीमा पर चौकसी बढ़ाने के निर्देश। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।